हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम मिल्क पाउडर से मावा या खोया बोला जाता है, बहुत ही आसान तरीका है बनाना, घर पे आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए खोए को बनाना हमने ये मिल्क पाउडर ले लिया है और ये एक पाव दूध ले लिया है और ये एक पाव ये मिल्क पाउडर है, एक पाव हमने दूध लिया है और हमने ये घी ले लिया है। तो हमें क्या करना है, पहले हम 4 टेबल स्पून जो है पैन में घी ले लेंगे। हमें 4 टेबल स्पून घी लेना है, 2, 3, ये रहा 4। हमने 4 टेबल स्पून घी ले लिया और ये जो रहा दूध, एक पाव दूध जो है, अब इसे भी डाल देते हैं। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देना है। अब इसे मिक्स कर लेना है। दूध जो है गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके, एक ही बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिलाते हुए मिल्क पाउडर को डालते जाएंगे। फिर से ये डाल देते हैं, 2 बार हमने करके सारा मिल्क पाउडर जो है डाल दिया है। अब इसे हमें लगातार चलाना है। इस समय हमने चूल्हे का पॉइंट जो है कम किया है, चूल्हे का पॉइंट कम रख के ही और इसे मिक्स करना है दूध के साथ, नहीं तो अगर तेज़ रहेगा चूल्हे का पॉइंट तो इसमें गुठली बढ़ जाएगी, तो अच्छे से मावा जो है तैयार नहीं हो पाएगा, खोया मावा जो है हमारा। देखिए अब इसे ऐसे हमें मिक्स कर लेना है दूध के साथ, थोड़े बहुत गुठलियाँ जो हैं रह गई हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए ऐसे ही हम खोए को तैयार करेंगे, गुठली जो है ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे मावा जो है बनने लगेगा, जो भी एक्स्ट्रा गुठलियाँ इसमें बची हुई हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये, देखिए अब इसे हमें ऐसे ही लगातार चलाते हुए खोए को तैयार कर लेना है। देखिए दूध जो है अच्छे से गाढ़ा हो गया। अब इस समय हम चीनी डालेंगे, 1 कप हमने ये चीनी ले लिया है मीठे के अनुसार। अब इसे भी साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही हम सूखा करेंगे, बीच बीच में हमें चलाते हुए। देख सकते हैं आप कैसे खोया मावा जो है बहुत घर पे बनाना बहुत आसान है। देखिए ऐसे लगातार चलाते हुए हम चीनी को भी साथ में अच्छे से, चीनी जो है पानी छोड़ने लगेगी इसलिए खोया मावा जो है पतला होने लगेगा, इसलिए इसे गाढ़ा करना है हमें। खोए को और सूखा करेंगे। खोया जो है अच्छे से सूख गया है, आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। सिर्फ 15 मिनट लगा है, खोया जो है तैयार हो गया है। वज़न में देखा जाए तो ये 1/2 kg खोया जो है तैयार हुआ है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। खोया जो है तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से ये सूख गया है, आप देख सकते हैं 1/2 kg ये खोया जो है तैयार हुआ है। आप पेड़ा बनाइए, इसका कलाकंद बनाइए, आप कई तरीके की मिठाइयाँ जो हैं बना सकते हैं इससे। मावा गुजिया बनाइए, कलाकंद बनाइए, कलाकंद गुजिया बनाइए, मीठे समोसे गुजिया बनाइए, आप कई तरीके की मिठाइयाँ जो हैं आराम से बना सकते हैं। बहुत आसान है और ये सस्ता भी है और झटपट गैस भी कम लगता है, समय मतलब कम लगता है, आप आसानी से इसे खोए को तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने ये खोए को तैयार कर दिया। इस तरीके से आप खोए को बनाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।